भगवान, भाभी, भाभी, भाभी आंखें खोलिए भाभी। सुन, सुमी, देखना भाभी को क्या हो गया है। माँ, भाभी, भाभी आंखें खोलिए ना। माँ, माँ, भाभी खोलो। माँ, आंखें खोलो माँ। माँ कुछ नहीं होगा आपको। कुछ नहीं होगा माँ, भाभी कुछ नहीं होगा आपको। तुम्हें कुछ नहीं होगा माँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। भैया जल्दी चलिए अस्पताल, चलिए ना भाभी। कुछ नहीं होगा आपको भाभी। नर्स, वो माँ बहुत खून बहुत दर्द है, इमरजेंसी प्लीज डॉक्टर को बुलाइए। भाभी आगे खोलिए ना। आप डॉक्टर देखिए, ये सीरियस केस है, आईसीयू में एडमिट करना पड़ेगा। आप पैसे भर दीजिए, बाद में नर्स एडमिट करवा देगी। डॉक्टर मैं पैसे भर दूंगी, आप प्लीज इलाज शुरू कीजिए। देखिए, हम ऐसे ही किसी को एडमिट नहीं कर सकते, बहुत खर्चा होगा। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप इन्हें कहीं और ले जाइए। डॉक्टर माँ कह नहीं जाएगी, उनका इलाज यहीं पर होगा। पर पैसे तो भरने होंगे। पैसे जान से कीमती नहीं होते सर, और आपका फर्ज बनता है उनका इलाज करना। मेडिकल डिग्री लेते वक्त हर डॉक्टर ये वादा करता है कि वो किसी का भी इलाज करने से मना नहीं करेंगे। पर मैम ये हॉस्पिटल के रूल्स हैं, जो कि इस देश के कानून से बड़े नहीं होते। भारत संविधान आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, और सुप्रीम कोर्ट ये बताता है कि किसी भी नागरिक का इमरजेंसी में मेडिकल केयर मना करना संविधान का उल्लंघन होता है। अभी आप प्लीज उनका इलाज शुरू कीजिए। ठीक है, इन आईसीयू में ले चलो, और मीन टाइम आप सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर दीजिए। धन्यवाद। आप प्रमोद शर्मा की बेटी हैं। आई एम सॉरी, आपके पिता को नहीं बचा सके। मेरी माँ को बचा लेना, उनके वाले मेरी जान ले लेना। ऐसा नहीं बोलते सुम्मी, सब ठीक हो जाएगा बेटा। एक और नाबालिग नहीं हुआ, कितना खून बह रहा है, कितनी गहरी चोट लगी है। गणेश जी हमारा हाथ जोड़ छोड़ना। कुछ नहीं होगा सुम्मी, भाभी ठीक हो जाएगी। कुछ नहीं होगा सुम्मी, कुछ नहीं होगा। भाई जैसा कहते ना मेरे ऋषि को, तो अपने भाई को मरवाना चाहते थे आप। क्यों भेजा थे गन वाली सिक्योरिटी में, ओपोजिशन के समर्थकों के बीच उनकी नेता पे एक फेंकने के लिए? ऋषि, देविका भाभी ने मेरा गुस्सा तुझ पे निकाल दिया। उन्होंने रियलाइज भी नहीं करा था कि उनकी ये मजाक करने की आदत जो है वो उल्टी बढ़ जाएगी। एंड ट्रस्ट मी, उनको भी बुरा लग रहा है इस बात का। देख, मैं तुझे जेन्युइनली सॉरी बोल। फिर सॉरी? अब एक बार और सॉरी बोलोगे ना आप, तो फिर मैं इस बार अपना वोट जाके किसी और को डाल दूंगा, बता रहा हूँ। नहीं वातीर भैया, कट्टू से शादी की बात हुई नहीं, आपकी तो चाल ही बदल गई। हेलो बूढ़ा बुआ, आपकी थोड़ी सी हेल्प चाहिए थी। वो माँ का एक्सीडेंट हो गया, वैसे ही हूँ मैं। 2 लाख रुपए जमा करने बुआ, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा। आप जितना ब्याज बोलेगी, जैसे पैसे वापस करने वैसे बोलेगी, मैं सब कर दूंगी। आप बस मुझे पैसे दे दीजिए प्लीज। मैं पैसे लेने आ जाऊँ ना? मैं अभी आई बुआ, आप बस पैसे रेडी रखना। थैंक यू सो मच। सब रेडी रखूंगा, मेरी चिकट मोर हुआ तो सही।
सॉरी मम्मी, पैसे मिल रहे हैं, माँ का इलाज हो जाएगा, पूरा बुआ पैसे दे रही है, मैं भी लेकर आती हूँ। तू अपना ध्यान रखना सुम्मी। भाभी, कृतिका, क्या हुआ, चिल्ला क्यों रहा है तीर? कृत, मैं बोलूं या तुम बोलोगी कि मैं भड़क क्यों रहा हूं? भड़क तू रहा है, पूछ उससे रहा है, वो क्यों को बताएगी? बता। ऋषि की बात का एक्सीडेंट हुआ है पापा। ऋषि की मां का एक्सीडेंट किसने किया है कृतिका? किसने? वो मैं... किसने एक्सीडेंट किया है तीर्थ भैया? कृतिका दी को कैसे पता होगा किसने एक्सीडेंट करा है? वो ट्रैफिक पुलिस थोड़ी है। कृतिका गाड़ी चला रही थी। ये सच है कृतिका? कृतिका गाड़ी चला रही थी? जी भाभी। और अब मैं कृतिका को पुलिस स्टेशन लेके जाऊंगा ताकि वो पुलिस को सच सच बताए सब। है ना कृतिका? लट्टू, ये तू क्या बोल रहा है? जो कह रहा हूं मां, वो बिल्कुल सच कह रहा हूं। और एक बार कृतिका सबको सच बता देगी ना, तो मैं खुद सीएम साहब से अपील करके उसकी सजा कम करवाऊंगा। चलो कृतिका। कृतिका गाड़ी चला रही थी, ये आपसे किसने कहा? सुमन ने। वो कचरा आंटी। पूर्णा बुआ, मैं आऊं सुमन? पूर्णा बुआ, मैं आऊं? पूर्णा बुआ, वो पैसे देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, मैं आपका आभार कभी नहीं भूलूंगी। वो माँ की हालत थोड़ी ज्यादा खराब है, तो आप थोड़ा जल्दी दे सकती हैं पैसे? बुआ नहीं तो क्या हुआ, बुआ के बेटे से काम चला लो। कहां जा रही है मेरी कड़क ककड़ी? तेरे भाई ने मुझे मत मारा था ना, हाँ मैं भी तुझे ठीक वही मारूंगा। अरे माँ को काहे बुलाती है रे? बेटी है रे तू, बाकी हॉस्पिटल का क्या होगा? मैं भरूंगा ना पक्का, मैं तुझे पैसे देता हूं और तू मुझे। तू जितना भागेगी ना उतनी मेरी भूख बढ़ेगी। क्या कांड कर दिया तूने गुल्लू? दीवी है वो, जो उसकी हर बात सच होगी। पापा, वो झूठ क्यों बोलेगी? आपको उसकी हालत देखनी चाहिए थी, बेचारी रो रही थी। बेचारी? हाँ तीर्थ भैया, वो बेचारी ही होगी जिसने आपकी भाभी पर कीचड़ उछाला, पापा की दुकान आकर गल्ला खाली कर दिया, आपके ऑफिस आकर आपकी बेइज्जती की। वो बेचारी नहीं होगी तो और क्या होगी? तीर्थ भैया, आपका ध्यान भले ही परिवार पे ना हो, लेकिन मेरी नजर नहीं चूकती। दो
आंसू बहाने से कोई भी झूठ सच नहीं हो जाता। मुझे विश्वास नहीं हो रहा आपको उसके आंसू नजर आ रहे, लेकिन मेरी बहन के आपके होने वाली मंगेतर का डर नहीं नजर आ रहा। लड्डू, होने वाली मंगेतर? मामी जी, वो सिर्फ मेरे पापा के सामने हाँ हुई थी। इससे पहले कि ये खुशखबरी आप तक पहुंचती, तीर्थ भैया ने तो अपनी गाड़ी उस सुमन की ओर मोड़ दी। सुमन सच बोल रही है। सुमन के इस सच का कोई सबूत है आपके पास, या बस सिर्फ सुमन ही सबूत है? सुमन ने कृतिका को वहां से भागते हुए देखा है, और मैंने कट्टू को मेरे साथ आपकी मंगनी की तैयारी करते हुए देखा है। अगर मैं ऐसा कहूं आपसे तीर्थ भैया, तो आप क्या कहेंगे? कि आप झूठ बोल रही हैं भाभी।